हेलो फ्रेंड्स, ह्यूम लेडीज़ टेलर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये स्लीव्स के दोनों हिस्सों को मैंने साथ में जमा लिया है। इसको हमें इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से जमा के यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हम पहला निशान लंबाई का लगाएंगे 24 इंच। और इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड भी 24 इंच पे मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से हम स्केल की हेल्प से इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की गोलाई ले रहा हूँ 5 इंची। आप अपने हिसाब से निशान लगा लें। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 9 इंच आर्म होल का निशान लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लें, मेरे को जिस साइज से बनाना है मैं उसके हिसाब से लगा रहा हूँ। को हमें स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। और यहाँ पे हम जो नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उसके हिसाब से इसका निशान लगा रहा हूँ मैं। यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अंदाजे के लिए मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से जहाँ पे आर्म होल की निशान है वहाँ से हमें इस तरह से इसके निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से ऊपर जाके हमें इसकी गोलाई ले लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़ा ना हिले के लिए इसमें पिन लगा देंगे। थोड़ी दूर हमें इसमें पिन लगा देनी है जिससे कपड़ा ना हिले। अब फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद में हमें 1 इंच निशान लगाना है और उसके बाद में हमें फिर से 1 इंच निशान लगाना है। और अब हमें यहाँ पे 2 इंच निशान लगाना है। 2 इंच निशान लगाने के बाद में हमें फिर से 1 इंच निशान लगाना है और अब हमें वापस 2 इंच निशान लगाना है। 2 इंच निशान लगाने के बाद में हमें 1 इंच निशान लगाना है। अब 1 इंच के बाद में हमें फिर से उसी तरह से 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच और फिर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 1 इंच निशान लगा के फिर 2 इंच जगह छोड़नी है, 1 इंच निशान लगा के 2 इंच जगह छोड़नी है। और ऊपर की साइड में हमें 1/2 इंच और 1 इंच का ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हम कैंची से कट लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमने जो आधा इंच निशान लगाया था उसको फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में जो एक इंच निशान लगाया था उसको हम आधा इंच फोल्ड के साथ में फोल्ड करेंगे। अब जो एक एक इंच हमने निशान लगाया था उनको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम एक एक इंच की जो प्लेट्स होती है वो देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड कर करके इनकी सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक साइड की सिलाई हो गई है। दूसरी साइड में हमें इस तरह से वही आधा इंच को फोल्ड करके साथ में एक इंच फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है जो कपड़ा हिले नहीं और हमारी प्लेट बनी रहे। इस तरह से हमें इन सबको फोल्ड कर करके यहाँ पे हमें पिने लगानी है। ये लास्ट वाली है, इसको भी फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी पीने लग गई है। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल ध्यान से जो पिन ध्यान से सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।